पेज नंबर 4 सेकंड लास्ट पैराग्राफ. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब वो कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं सिटी के अंदर, दे सेंड फॉर अस, सो दे इनवाइट अस, दे कॉल अस टू द सिटी. वो हमको सिटी में बुला देते हैं, ग्रैंड मदर को और जो ऑथर है वो खुशवंत सिंह. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है उनकी फ्रेंडशिप के बीच में. Although we shared same room, my grandmother no longer came to school with me. वो जब सिटी में वो शिफ्ट हो जाते हैं तो वो रहते तो एक ही रूम में, लेकिन अभी grandmother उनके साथ स्कूल नहीं जाते. She is not going to school with him. Okay? Because I used to go to an English school in the motor bus. क्योंकि वो जो हमारे राइटर जो ऑथर है वो अभी स्कूल में जा रहे हैं. अब किस कहाँ किसकी हेल्प लेके जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, वो बस से जा रहे हैं. तो आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. तो यहाँ पे जब हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो जब सिटी में शिफ्ट होते हैं तो वो इंग्लिश स्कूल में उनका एडमिशन होता है और वो बस से वो स्कूल में जाते हैं. सो ग्रैंड मदर को उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी वो एक ही रूम शेयर कर रहे हैं. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अभी वहां पे सिटी में स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे तो क्या होता था यहाँ पे, थोड़ा जो डॉग्स की जगह है उसने वो किसने ले ली, स्पैरोज ने ली, बर्ड्स ने ले ली. तो she took to feeding sparrows, उनको स्पैरोज को खाना खिलाने की जरूरत थी. इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, जो हमारे हमारा जो घर था सिटी में वहाँ पे कोर्ट यार्ड में जो स्पैरोज थे उनको जो हमारी ग्रांड मदर थी वो उनको खाना खिला देते. एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे टाइम जाता है जैसे जैसे इयर्स पास होते हैं तो उनका जो बॉन्डिंग है उनकी जो फ्रेंडशिप है धीरे धीरे कम होती जा रही है. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ टाइम कुछ दिनों के लिए वो मुझे सुबह उठाती है और स्कूल के लिए रेडी करती है. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. So when he returned from the school, the grandmother always asked him what you learned in the school, what the teacher had taught you. So teacher ने आपको क्या पढ़ाया स्कूल में, तो वो always उनको पूछते हैं. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, तो वो उसको आंसर देता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया. ऑब्वियसली वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था तो वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसका जो पढ़ाई था वो गांव से थोड़ा डिफरेंट होगा, विलेज की जो एजुकेशन है वो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा. सो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, वो उसको इंग्लिश में बता देता. लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, साइंस के बारे में, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट आल्सो. तो उसके बारे में वो बस बताता था कि ये हमने स्कूल में पढ़ा, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड जो भी वर्ल्ड है वो उसके बारे में एटसेट्रा. तो जब वो ग्रांड मदर उसको पूछते थे कि तुमने स्कूल में क्या क्या पढ़ा है आज, तो वो उनको रिप्लाई में ये सब देता था कि हर इंग्लिश वर्ड्स सॉरी इंग्लिश वर्ड्स लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अल्टीमेट्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा. दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सुन के वो सैड हो जाती है, अपसेट हो जाती है. शी कुड नॉट हेल्प विथ माई लेसन्स बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, क्योंकि वो उसको लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती. गांव में कर सकते थे, गांव में वो थोड़ा डिफरेंट था, उनकी मदर टंग में पढ़ाई थी और वो इजी भी था, लेकिन अभी साइंस इंग्लिश वो ग्रैंड मदर को पता नहीं था तो वो उसको अभी हेल्प नहीं कर सकती स्टडी में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. सो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश, तो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ा रहे थे उसको जो पढ़ाई थी उनमें उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था. शी वॉज डिस्ट्रेस, बहुत ही आनंद पी थी, बहुत ही अपसेट थी, बहुत ही सैड थी, बहुत ही हो सकते हम कि वो उसको बहुत ही बुरा लगा. क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, उनकी स्कूल में इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता था.
एंड द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज एज वी नो व्हेन ही यूज्ड टू गो टू विलेज स्कूल दे ऑलवेज लर्न प्रेयर्स, दे ऑलवेज लर्न अबाउट गॉड, दे ऑलवेज लर्न स्क्रिप्चर्स, दे ऑलवेज रिसाइट द प्रेयर्स. सो हियर दे आर नॉट लर्निंग देयर दोज थिंग्स एनीमोर. She did not believe in the things they taught at English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन उसने वो भी कहा कि हमारे स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाता है, म्यूजिक की हमें उसके बारे में नॉलेज है, मतलब वो स्कूल में पढ़ाते हैं म्यूजिक के बारे में भी. तो she was very disturbed. ये सुन के वो बहुत ही disturbed हो जाती है. To her, music had lewd associations. So उनके लिए music मतलब और city में और वो भी English school में music मतलब उसको वो था कि जैसे कि dance या फिर party. Okay. तो lewd associations. So lewd means dirty या तो फिर vulgar. तो उनको लगता था कि ये सब vulgar things हैं. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनको ऐसा माना था कि ये जो म्यूजिक है वो सिर्फ किसके लिए बनाया है, जो प्रोस्टिट्यूट है या तो फिर जो बैगर्स है उनके लिए बनाया है, नॉट फॉर जेंटल फॉक्स, जो अच्छे अच्छे इंसान है, जो गुड पीपल है, जो जेंटलमैन है उनके लिए ये म्यूजिक नहीं बनाया. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. उन्होंने वहाँ पे उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, बट उनका जो साइलेंस था उसका मीनिंग था डिसअप्रूवल, वो उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं. She rarely talked to me after that. उसके बाद उन्होंने बहुत कम कर दिया बातें करना. When I went up to university, I was given a room for my own. जब वो यूनिवर्सिटी में स्कूल के बाद जब यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होता है तो उसके पास अपना खुद का रूम होता है. The common link of friendship was snapped. तो एक कॉमन लिंक थी उनकी, जो फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग थी वो अभी धीरे धीरे कम हो जाती है और यहाँ पे ब्रेक हो जाती है. स्नैप मीन्स ब्रोकन. माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन. तो सेक्युलरिज्म मीन्स लॉन्लीनेस. तो अभी यहाँ पे ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया अपना लॉन्लीनेस, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अकेले ही रहना है. तो शी एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म, शी एक्सेप्टेड हर लॉन्लीनेस, लोगों से दूर रहना, ठीक है, टू कीप अवे हरसेल्फ फ्रॉम द पीपल. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. तो वो पूरे दिन स्पिनिंग व्हील, जिसको हम चरखा बोलते हैं, तो वो पूरे दिन उनका टाइम वो स्पिनिंग व्हील में बिताते थे टॉक टू एनीवन, ताकि उनको दूसरी जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ बात ना करनी पड़े. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम था, स्पिनिंग व्हील मतलब उसका यूज करना, एंड उनका जो हर रोज का काम था वही रिसाइटिंग प्रेयर्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड स्पैरोस. सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करती थी और वो स्पैरोस को खाना खिला देती थी. व्हाइल शी शेड इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रीड into the soil, breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो afternoon में जब sparrows या तो फिर कुछ birds वो खाना खाने के लिए वहाँ पे आते थे तो वो वहाँ पे वेरेंडा में बैठ जाती थी एंड जो ब्रेड के थे उसके छोटे छोटे टुकड़े उसको जो हंड्रेड ऑफ लिटल बर्ड्स बहुत सारे जो लिटल बर्ड्स वहाँ पे आते थे स्पैरोज के अलावा दूसरे भी बर्ड्स थे तो उनको वो खाना देती थी. एंड हर कलेक्टेड अराउंड हर वेजिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, मतलब चिरपिंग्स जो बर्ड्स जो आवाज करते हैं उसको हम चिरपिंग बोलेंगे, ठीक है, बर्ड्स की जो आवाज होती है उसको हम बोलेंगे चिरपिंग. तो अ वेरी जिसको हम बोलेंगे शोर शराबा, ठीक है, तो अ वेजिटेबल बेडलम वॉइस ऑफ चिरपिंग्स और यू कैन से वॉइस very lot of noise there. So veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. So perch means sit down, sit. So कुछ जो birds थे वो उसके
ऑन हर लेग्स, अपने लेग्स के ऊपर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ बर्ड्स उनके शोल्डर के ऊपर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ जो बर्ड्स थे वो उनके हेड के ऊपर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो हंसते थे मुस्कुराते थे लेकिन उन्होंने कभी भी शी नेवर शूट देम अवे, शी नेवर मेक देम गो अवे, उनको उन्होंने कभी भी बर्ड्स को वहां से हटाया नहीं, उनको जाने के लिए मना करा, मतलब नहीं बुलाया। शू हम बोलते हैं ना वो जब बर्ड्स आते हैं शू, तो शूट देम अवे। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, तो ये जो आधा घंटा था उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था उनका, ग्रैंड मदर का। When I decided to go to Africa for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो अभी आगे उसने जब उसने डिसाइड किया कि मैं आगे पढ़ाई के लिए मैं अब्रॉड जाऊंगा, तब उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही अपसेट होगी। I would be away for 5 years, तो 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। And at her age, one could never tell. और ये एज बिकॉज शी वॉज टू ओल्ड दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग दैट आफ्टर 5 years शी इज देयर और शी इज नो मोर। तो उनको उसको डाउट था इफ शी कम बैक आफ्टर 5 years मे बी द ग्रैंड मदर इज देयर इज नॉट देयर शी इज नो मोर ऑलरेडी शी डाइड ऑलरेडी। तो आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, हम कुछ कह नहीं सकते ये एज में, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन माई ग्रैंड मदर वो ये भी कर सकती है, मतलब वो जिंदा रह सकती है 5 साल के, क्योंकि उसको इतनी हेल्दी थी वो। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, तो उन्होंने कुछ या तो फिर भावुक ना, उन्होंने कुछ अपने एक्सप्रेशन या तो फिर उसमें इमोशन भी उसने एक्सप्रेस नहीं किया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, तो शी केम विद हिम एट द रेलवे स्टेशन बट शी डिड नॉट talk or did not speak any single word or show any emotion. Her lips moved in prayer, उनके जो lips थे वो as usual जो हर बार वो करती वो prayer उनका चलता। Her mind was lost in prayer, उनका mind भी prayer में lost हो गया था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary, उनके fingers थे वो माला जपने में busy थे। Silently she kissed my forehead, उसने तभी अचानक से उन्होंने उसको जो पोएट जो राइटर थे उसको एक फोरहेड किस दे दिया। एंड व्हेन आई फेल्ट सॉरी व्हेन आई लेफ्ट द आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और उसने वो जो जब रिसीव किया तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। एंड शी होल्ड सॉरी ही होल्ड आई चेरिश योर द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जब वो कोई किस करता है मतलब जब उन्होंने उनके ग्रांड मदर उनको ऊपर किस किया तो वो जो इम्प्रिंट था ये प्रिंट था वो उसके ऊपर चप गया उनके फॉरहेड के ऊपर। एंड पर हैव्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, वो सोच रहा था कि ये लास्ट कॉन्टेक्ट है हमारा फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। बट देट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, तो उसने उस पर ऐसा सोचा कि मैं 5 साल बाद जब वापस आऊँगा तो मेरी ग्रैंड मदर वापस नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी ग्रैंड मदर उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। बट देट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, 5 साल बाद भी वो उतनी ब्यूटी थी जितनी वो पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसको बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, उसको बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ कहने के लिए, वो बिजी थी अपने प्रेयर्स में। एंड व्हाइल शी क्लैप्स मी मीन्स अपने आम से हग करना, जब उन्होंने हग किया आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो उसको सुनाई देता था जब वो प्रेयर उसकी रिसाइट करते थे वो उसको सुनाई देता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑन माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. So on the first day जब author foreign से abroad से return आते हैं तब शाम को उनकी grandmother क्या करती है long time तक वो जो birds थे उनको खाना खिलाती है और थोड़ा इस बार थोड़ा उनको frivolous
फ्यूरियस मीन्स लाइट एंगर, या तो फिर थोड़ा बहुत डांटना उसको, क्रिटिसाइज करना। तो इस बार थोड़ा उसको बर्ड्स को बोलते थे कि नहीं तुम चले जाओ, मतलब तो थोड़े दूर रहो ऐसे। तो इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑन द ऑफ द अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द विद हर स्पैरोस होम शी फेड लॉन्गर विद फ्यूरियस रिप्यूट्स। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को थोड़ा चेंज उसमें देखा। वो क्या था, शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जब वो उसका ग्रैंड सन अब्रेड से रिटर्न आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो नेबर्स की जो वुमेन थी, कुछ एजेड जो ओल्ड लेडी थी, उनको कलेक्ट किया, उनको घर पे बुलाया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक ओल्ड ड्रम बजाने के लिए उन्होंने मंगवाया और स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने बजाया और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ब द शेकिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। तो बिगनिंग में क्या किया उन्होंने, कंटिन्यूस थम्पिंग किया उसके ऊपर, ठीक है, द लूज स्किन ऑफ द ओल्ड ड्रम। तो ऑलरेडी पुराना ड्रम था और वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर थम कर रही थी, तो उसकी आवाज जो थी वो भी उतनी मतलब क्लियर नहीं थी। तो कंटिन्यूसली थम्पिंग, शी वॉज कंटिन्यूसली थम्पिंग ऑन द ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। उसने गाना शुरू किया होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वी हैड टू परस्यू बी कन्विंस हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तो उन्होंने सबने मिलकर ग्रामर को रिक्वेस्ट किया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो ज़्यादा ड्रम ना बजाए, क्योंकि ऑलरेडी बुरी थी और फिर ज़्यादा वो ड्रम बजाएगी या तो फिर उनको इंजरी हो सकती है या तो फिर उनको वो इंजरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। सो ओवर थम्पिंग की वजह से जो इंजरी ना हो उसके लिए, इसके वजह से उन्होंने उनको स्टॉप करने की कोशिश की। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। फर्स्ट टाइम था जब मैंने उनको देखा कि वो प्रे नहीं कर रही है। सॉरी, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, दूसरे दिन दूसरे मॉर्निंग के वो थोड़ी बीमार हो जाती है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उनको थोड़ा सा बुखार था और डॉक्टर ने बोला कि ये चला जाएगा, उनको ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा। क्या था, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। सो शी टोल्ड देम दैट हर एंड वॉज नियर, इट मीन्स शी वॉज गोइंग टू डाई। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। जैसे कि उसने बताया कि उसके पास अभी कुछ घंटे ही बचे हैं, ऐसा उसको फील हो रहा था। तो इस लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, ये मेरे लाइफ का लास्ट चैप्टर है, तो शी हैड कमिटेड टू प्रे, उसने अपना प्रेयर था वो चालू रखा। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट माई एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी दूसरे से बात करने की वजह से। तो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना नहीं चाहते थे। शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हर प्रेयर्स। वी प्रोटेस्टेड, वी डिसअप्रूवल, वी डिसएग्री, बट शी इग्नोर हर प्रोटेस्ट, बट शी इग्नोर, उसने इग्नोर किया हमारा हमारा जो डिसअप्रूव था, हमारा जो डिसएग्री था, उसने हमने जो बोला उसके साथ वो एग्री नहीं थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स। वो आराम से अपने बेड पे सो गई और अपना प्रेयर चालू रखा एंड टेलिंग हर बिट्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें कुछ पता चला उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उनके जो लिप्स थे वो बोलना स्टॉप हो गए और उनके हाथ में जो माला थी वो वहां से गिर जाती। पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। तो वहां पे पीसफुल पैलर है, पीसफुल बहुत ही शांत पैलर मीन्स पैलेस या फिर लॉस ऑफ कलर उनका फेस था, वो वहां पे उसके उनका फेस बहुत ही येलोइश हो जाता है, ठीक है।
वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और वो उनको पता चलता है कि यहाँ पे ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉल. तो वी लिफ्टेड हर ऑफ हर बेड, वो बेड से वो नीचे लाते हैं. कस्टमरी उनका ट्रेडिशन होता है, अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशन का रिपोर्ट होता है, तो उनका ट्रेडिशन थोड़ा अलग था. उन्होंने क्या किया, उसको नीचे लाया, लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लाया एंड कवर्ड हर विद रेड शॉल. और रेड शॉल मीन्स क्लोथ, जो डेड बॉडी को रेप करने के लिए हम कपड़ा यूज करके उसको हम शॉर्ट बोलेंगे. तो लाल कलर का एक, रेड कलर का एक शॉर्ट कपड़ा लेके आए और उसके ऊपर उनको उनकी डेड बॉडी को रेप कर दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. तो मॉर्निंग मीन्स सॉरो, शॉक हो जाना या तो फिर बहुत ही दुखी होना. तो क्योंकि उनके लिए बहुत ही दुखी था कि सडनली वो वहाँ पे उनकी डेथ डेट हो जाती है. तो आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, वो थोड़ी देर के लिए उनको अकेला छोड़ दी वहाँ पे. We left her alone to make arrangements for a funeral. कि funeral के arrangements के लिए उनको अकेला छोड़ दिया ताकि उनको जल्दी वहाँ से घर से शमशान में ले जाए. In the evening we went to her room with a crude satchel to take her to the cremation. तो evening में वो लोग उसको उसके रूम में जाते हैं स्ट्रेचर के साथ, स्ट्रेचर लेके जाते हैं ताकि उनकी डेड बॉडी उसके ऊपर रख दे और वो शमशान में उसकी जो डेड बॉडी को बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए वहां से ले जाए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सन भी वहां पे सेट हो रहा था और उसकी जो रोशनी थी वो थोड़ी गोल्डन कलर की थी और वो लाइट थी गोल्डन लाइट वो उनके रूम में और वरंडा में स्प्रेड हो रही थी. वी स्टॉप हाफ वे इन द कंट्री यार्ड. कंट्री यार्ड आने के बाद वहाँ पे हम वो रुक जाते हैं. ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम गाइड अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप इन द रेड स्टार थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वेरेंडा में और उसके रूम में सारी जगह जो बर्ड्स थे वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे बैठे हुए थे. एंड वेयर शी ले डेड, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी है वहाँ तक स्टिफ मीन्स बहुत सख्त रैप इन हर रेड स्टार, तो कपड़ा था उसके ऊपर उनको रैप किया हुआ था. थाउजेंड ऑफ स्पैरो स्कैटर ऑन द फ्लोर. तो बहुत सारे बर्ड्स थे, बहुत सारे स्पैरोस थे वो वहाँ पे फ्लोर पे बैठे हुए. देर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे. देर वॉज नो चिरपिंग, देर इज नो वॉइस. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड ऑफ देम, ब्रेड फॉर देम. तो वो बहुत ही सॉरी वो बर्ड्स के लिए क्योंकि अभी उनका जो रिलेशनशिप था बर्ड्स और ग्रैंड मदर का वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और बर्ड्स को भी पता चल गया कि अभी जो ग्रैंड मदर है जो उनको रोज खाना खिलाती थी वो भी वहाँ पे नहीं रही. एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, वो उनकी मदर थी ऑथर की मदर, वो थोड़ी ब्रेड्स लेके आती ताकि वो उनको खाना खिलाए. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to. Grandmother जैसे उसको उसको उसके छोटे बीट करके खिलाती थी वैसे ही उसके मदर ने भी ट्राई किया कि she broke into little crumbs, छोटे छोटे उसके टुकड़े किए. The way my grandmother used to and threw it to them, उनके ऊपर उनको दिया. The sparrow took no notice of the bread, लेकिन स्पैरो ने उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हमने वो कैरी किया उनकी डेड बॉडी को, corpse means डेड बॉडी, जब वो डेड बॉडी को उनको उन्होंने कैरी किया तब they flew away, वो वहां से चले जाते हैं. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. Next morning को जो sweeper थे जो कचरा उठाते थे, they swept the bread crumbs, crumbs means small pieces of bread, into the dustbin. वो उसको उठा के dustbin में डाल देते. तो this is the end of the story. Very beautiful story written by Pushpam C, the portrait of a lady. So यहाँ पे author
और ग्रैंड मदर की जो रिलेशनशिप है वो तीन फेज में यहाँ पे उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज तो जब वो और उनकी ग्रैंड मदर विलेज में एक साथ टाइम स्पेंड किया, वो जब वो साथ में स्कूल जाते थे वो। सेकंड फेज कौन सा, जब वो सिटी में एंटर होते और शिफ्ट हो जाते वहाँ पे, तब वो जब बिगनिंग में उनका टाइम था वो साथ में शेयर करते, लेकिन उतनी बॉन्डिंग नहीं थी जैसे कि पहले थी। ग्रैंड मदर को उनको छोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो भी बस से जा रहा है, वो उनके होमवर्क भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। और तीसरा फेज थर्ड फेज है वो है जब वो अब्रॉड से रिटर्न आता है और जो चेंजेस उसकी ग्रैंड मदर में होती है और जब उनकी डेथ होती है वो। ये हो गया थर्ड फेज। तो यहाँ पे हम तीन फेज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय कुशवंत सिंह। थैंक यू सो मच।